नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस भाई नीरज में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम फर्स्ट से 4/1/2020। जी हाँ, ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, आज का रियल पेपर देख रहे हैं 4/1/2020 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। जी एस के टॉप क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमें याद थे, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, 10% आर्थिक आरक्षण जो भी केंद्र सरकार ने लागू किया है, किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है? तो 103वां संविधान संशोधन उसमें हुआ था, उस पर यह 10% आर्थिक रूप से आरक्षण लागू हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का यह आरक्षण का लाभ मिल रहा है 103वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो संविधान में जो सबसे पहला संविधान संशोधन था वो था 1951 का। ठीक है, 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना पूछी गई थी किस वर्ष हुई है? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरमुखी कागज पत्रिका बैकूर से छपती थी, बैकूर से, डाटा पूरा याद नहीं आ पा रहा है, बैकूर से एक पत्रिका छपती थी गुरमुखी कागज में, उस पत्रिका के संपादक कौन थे या उसको छापता कौन था? ठीक है, तो तारकनाथ दास जी ने उसका प्रारंभ किया था, यानी तारकनाथ दास उसको प्रतिपादित करते थे, छापते थे। नेक्स्ट, पेंजिया से क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी से थोड़ा ट्रिपिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं। पेंजिया के दक्षिणी भाग का नाम पूछा गया था, तो पेंजिया के जो दक्षिणी भाग का नाम है उसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसमें यूपी स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन यूपी से ही पूछे गए हैं। जैसे यूपी की कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे है? तो इसमें बालिकाओं की आत्मनिर्भरता को बनाए रखने हेतु कन्या सुमंगला योजना योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो यूपी की कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, तो अन्नाई मुड़ी। ठीक है, अन्नाई मुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पूछा गया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद आ रहा है, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के जो पीएम हैं वो बोरिस जॉनसन अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं और थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो इसलिए ब्रिटेन के पीएम पूछे गए थे, तो बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कृषि कुंभ 2018 का जो आयोजन है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। 2018 का डाटा पूछा गया है, कृषि कुंभ 2018। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो काली मिट्टी पूछा गया था, ये पठार टाइप का कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा डाटा लिखा हुआ था, लेकिन काली मिट्टी लास्ट में पूछा गया था कि काली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है, तो डेक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील के बारे में पूछा गया था, सभी को पता होगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, तो चिल्का झील है। चिल्का झील का भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है, सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था किस किनारे पर पाई जाती है, तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। महानदी डेल्टा के दक्षिणी भाग में चिल्का झील अवस्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसमें लाभान्वित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो लाभान्वित होने वाला पहला राज्य है या सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य से लाभान्वित हुए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से? तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ये डाटा पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत के संदर्भ में दाल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दाल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना है, डाटा पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम बेंटिक ने जब सती प्रथा का अंत किया तो सन कौन सा था? तो विलियम बेंटिक ने कई कार्य ऐसे किए हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, कांग्रेस नहीं पूछा गया है, संघ पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो एओ ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एओ ह्यूम ने 1884 में की थी और बाद में यही चल के 1885 में कांग्रेस का स्थान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश का पहला डिजिटल पंचायत, देश का पहला डिजिटल पंचायत कौन सा है या किस राज्य में खोला गया था? तो ऑप्शन कई थे, केरला इसका राइट आंसर होगा, गुजरात भी था इसमें, केरला भी था, कई ऐसे ऑप्शन थे, लेकिन केरला में सबसे पहले देश का पहला डिजिटल पंचायत खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की सबरी संकल्प योजना पूछी गई है, यूपी की जो सबरी संकल्प योजना है, सबरी संकल्प योजना है वो किससे संबंधित है? तो कुपोषण नियंत्रण से संबंधित है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है सबरी संकल्प योजना, जो कि कुपोषण को पूर्ण रूप से हटा देना चाहती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, समझ में नहीं आ रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में कुछ था, डाटा थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, नहीं इसका भी जवाब दिया जाता, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश से संबंधित था या देश से संबंधित, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर हम लोग थोड़ी सी हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5 से 6 क्वेश्चन, तत्सम के 5 क्वेश्चन लगभग, तद्भव के 3 से 4 क्वेश्चन, विलोम के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची के 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुहावरा 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध अशुद्ध लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस टाइप से लगभग लगभग ये 60 क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जा रहा था। ठीक है, तो हिंदी का लेवल नॉर्मली था, जीएस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा मॉडरेट कहा जा सकता है, टफ भी कहा जा सकता है, लेकिन मॉडरेट था। ठीक है, रीजनिंग सामान्य लेवल की थी, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, जिसको नॉर्मली रीजनिंग आ रही होगी आराम से वो 30 में से 22 से 25 क्वेश्चन अपने आप कर ले रहा होगा, जो रीजनिंग का मास्टर होगा यानी थोड़ी सी मेहनत की होगी वो अपने आप में 30 में 30 लाने की क्षमता रखता होगा रीजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक याद आ गया, मैक्सिमम जनसंख्या वाला शहर पूछा गया था कि मैक्सिमम जनसंख्या भारत के किस शहर में निवास करती है, तो आर्थिक राजधानी मुंबई में, दूसरे क्रम पर कौन सी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, एक पूछा गया था मैक्सिमम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, राज्य या शहर ये भी पूछा गया था, और मुंबई भी इसका भी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मैक्सिमम जनसंख्या वाला राज्य तो सभी को पता होगा लगभग 30 करोड़ आबादी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है, लेकिन अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाएगी तो मुंबई नगर आ जाएगा, और मैक्सिमम जनसंख्या वाला शहर पूछा लिया जाए तो भी मुंबई ही इसका राइट आंसर होगा, दूसरे क्रम पर दिल्ली है। ध्यान रखना ये 20-21 क्वेश्चन हमें याद थे, जो कि पूरा सत्य प्रतिशत सत्य है, आए ही हैं, आप कल जब ये 24 घंटे बाद अपलोड हो गए हैं वो बुकलेट, तो आप चेक कर सकते हैं, ये रैली में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। शाम को हो सकता है आपको पूरे 130 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जाए, 130 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हो सकता है चैनल के माध्यम से। ठीक, तो उसका भरपूर लाभ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे ज़्यादा भरपूर लाभ ले सकें, कहीं सिलेक्शन पा सकें, अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। धन्यवाद।